नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से नितिन गडकरी ने बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत में इस बार मुस्लिम समाज का बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ पैरे खान जी है जिन्होंने जिद्दोजहद से जो है इस जीत में अपना योगदान दिया है, हम उनसे बात करेंगे। सर मुझे बताइए, नितिन गडकरी ने बड़ी लीड हासिल करते हुए जो है अपनी जीत दर्ज की है, इस बार मुस्लिम समाज ने भी बड़ा योगदान इस जीत में दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नागपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार गडकरी साहब को काम करने का मौका दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मेहनत की, ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज भी उनको बहुत चाहता है और वो उनका काम है, तो इस बार मुस्लिम समाज ने भी जो उन पर विश्वास जताया है तो वो उनके काम के वजह से जताया है। तो अभी सभी ने वोट दिया इसलिए मुस्लिम समाज ने भी वोट दिया है, तो उनके काम की वजह से उनको वोट मिला है। मुस्लिम समाज अभी जो है जश्न मनाने जा रहा है, किस प्रकार से ये है, क्या कहेंगे? देखिए, हर समाज इस बार जश्न मना रहा है, नागपुर में ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज ही जश्न मना रहा है, सारे समाज जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हर किसी को विकास चाहिए, हर किसी को काम चाहिए, हर किसी को एजुकेशन चाहिए, हर किसी को हेल्थ चाहिए, हर किसी को बिजनेस चाहिए, तो सब के सब नितिन गडकरी जी के साथ है। कुछ अपेक्षाएं होंगी आपकी भी, समाज की भी, अगले 5 साल में जो है गडकरी जी से क्या अपेक्षा है, किस तरह से काम होना चाहिए, मुस्लिम समाज के बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप क्या चाहते हो उस बारे में? देखिए, मेरे को तो मेरा पर्सनल कुछ नहीं, मेरे समाज के हालात आज बहुत ख़राब है, बस मैं चाहता हूँ और गडकरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे समाज को एजुकेशन मिले, मेरे समाज को अच्छी हेल्थ मिले, मेरे समाज के लिए अच्छे दवाखाने मिले, मेरे समाज को अच्छा बिजनेस मिले, जो उनकी जो सोच है कि मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ है वो भी आगे बढ़े। एक रैली का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत बढ़िया, सबने मिलकर खुशी मनानी चाहिए, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं।